नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है दोस्तों, बाइकर जोन में। तो दोस्तों, आज हमारे पास होंडा की ड्रीम नोवा है और हम इसका दोस्तों फ़िल्टर क्लीन करके दिखाने वाले हैं। फ़िल्टर किस तरह क्लीन होगा, क्योंकि फ़िल्टर जो है दोस्तों काफ़ी मेन पर्पस है गाड़ियों के लिए। क्योंकि अगर गाड़ी आपका फ़िल्टर साफ़ नहीं, तो गाड़ी आपकी एवरेज वगैरह में भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आती है। स्टार्टिंग में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। तो दोस्तों, आपको जो टूल्स चाहिए वो पेचकस चाहिए और 10 की और 8 की और 12 की गोटी चाहिएगी। और पेचकस तो दोस्तों मेन चाहिएगा आपको। अब सबसे पहले दोस्तों, इसका जो ये इस साइड का नट है, आपको एक होल लेना है पेचकस की मदद से। और ये आपको रबड़ निकाल, ये पैनल निकालना है इस तरीके से, और आपका पीछे से भी साइड से भी खींच लेना है, तो आपका पैनल इस तरह बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों, ये आप देख रहे हैं दो पेच, ये आप पेचकस की मदद से बड़ी आसानी से खोल लेंगे। और दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल, रिप्लेस इट। दोस्तों कंपनी कहती है इसे हर सर्विस पर चेंज कर लेना चाहिए, बाकी मेरा मानना है कम से कम नहीं तो इसको एक सर्विस तो नॉर्मल चलाना ही चाहिए, एक दो सर्विस, जब तक इस पर थोड़ा बहुत गंद ना आ जाए, जब तक इसे चेंज नहीं कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक सर्विस में कोई भी जल्दी एयर फिल्टर ख़राब नहीं होता है, वही एयर फिल्टर ख़राब होता है जिसमें एयर फिल्टर में ऑयल आ जाता है थोड़ा बहुत, वो एयर फिल्टर जल्दी ख़राब हो जाता है, बाकी इनमें नॉर्मल जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो हमने जैसा कि 10 नंबर का नट भी खोल लिया है, इसका खोलने के बाद दोस्तों ये नीचे एक पेच होगा, ये आपको पेचकस की मदद से ये भी पेच खोल लेना है। और जैसा कि हमने ये भी खोल लिया है दोस्तों, इसके खोलने के बाद दोस्तों आपको कुछ और नज़र आ जाएंगे, और आपको वो खोल के इसका एयर फिल्टर जो है बड़ी आसानी से साफ़ कर लेना है। ये देखिए, ये खुल जाएगा और ये इसका एयर फिल्टर है। इस पर अगर आपके गन प्रेशर है, आपका एयर प्रेशर है कहीं, तो उसे मार ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप इसे ज़मीन पे पटक के भी साफ़ कर सकते हैं, बाकी ऐसे थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाएगा। आस पड़ोस में देख लीजिए, अगर आपके पास कहीं थोड़ा बहुत हवा का प्रेशर मिल जाए, तो उससे बढ़िया तरीके से और साफ़ हो जाएगा। हम जैसे कि हवा प्रेशर से इसे साफ़ कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। इसके साफ़ करने के बाद दोस्तों, इसका एयर फिल्टर जो है हम इसमें लगाते हैं। इसका एयर फिल्टर दोस्तों मेन पर्पस है, इसको ज़रूरी है साफ़ करना। ये हो गया, प्लग हो गया, चेन टाइट हो गई नॉर्मल, और चेन टाइट की वीडियो दोस्तों आई बटन में आपको दे दूंगा कि किस तरह चेन टाइट करें अपनी गाड़ी में। तो दोस्तों इसका जो हमने फ़िल्टर लगा लिया है, फ़िल्टर लगाने के बाद दोस्तों हम इस पर कपड़ा मार लेते हैं। इसका जो फ़िल्टर बॉक्स है, अब ऐसे करके ये लग जाएगा। अब इसके लगने के बाद दोस्तों, इसका चारों पेच हैं वो आसानी से आप टाइट कर लें, बड़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, पेच की मदद से ही टाइट हो जाएंगे। ये जैसा कि दोस्तों हमारे जो पेच हैं ये टाइट हो चुके हैं। अब इसके टाइट होने के बाद, जो जैसे ही हमने टेल पैनल का खोला था, वैसे ही हल्का सा इसको ऊपर करके इसके सारे जो नट हैं वो लगा लेंगे। एक तो यहाँ 10 नंबर का नट था और नीचे पेच वाला था, हम इसको लगा लेते हैं। नीचे पेच वाला था, हम इसको भी टाइट कर लेते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो। अब इस तरीके से हमने नट जो है टाइट कर लिया है, और इस पर भी कपड़ा मार लेते हैं पूरे साइड में। और कपड़ा मारने के बाद दोस्तों, इसका जो हमने पैनल निकाला था वो पैनल हम लगा लेंगे। ये वाला दोस्तों पैनल में भी हम कपड़ा मार लेते हैं ताकि पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। अब उसके बाद हम इसको लगा लेते हैं। देखो जिस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं, अब इसका जो दोस्तों पेच था वो पेच हम
इसका टाइट कर लेते हैं। ऐसे फिल्टर दोस्तों आप बड़ी आसानी से कहीं पर भी घर पर भी टाइट कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नई अपडेट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबा लें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपको दिक्कत परेशानी तो ज़रूर बताएँ। धन्यवाद दोस्तों।